वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमन चैंपियन। आज बात करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ के बारे में। सबसे पहले ये समझो कि रिटायरमेंट होता कब है। रिटायरमेंट तब होता है जब उसके रिलेटेड कोई एग्रीमेंट होता है, या फिर सारे पार्टनर उसको मान ले, या फिर पार्टनर अपनी इच्छा से रिटायरमेंट मांग ले। तो जब भी पार्टनर रिटायरमेंट मांगता है उसको सारी की सारी चीजें मिल रही होती है, चाहे उसका कैपिटल अकाउंट हो, चाहे शेयर ऑफ गुडविल हो, चाहे गेन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो, आईओसी हो, आईओडी हो, सब कुछ का ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो आता है वो आता है आपका चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीन पार्टनर है, अगर एक रिटायर हो गया और कोई भी जानकारी नहीं गई इवन, तो बाकी जो बचे हुए दो पार्टनर है उनका जो ओल्ड रेशियो होगा वही आपका न्यू रेशियो होगा और वही गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, अब बात आती है सर गेनिंग रेशियो का काम क्या है। गेनिंग रेशियो का एक सिंपल काम है, जितनी भी फर्म की वैल्यूड गुडविल होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब जो पार्टनर जा रहा है उसको लॉस हो रहा है क्योंकि वो जाएगा, उसने जो मेहनत करी है उसके बदले में उसको गुडविल का कुछ हिस्सा मिल जाएगा, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक एंट्री करके, जिसको हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मेरी बात को समझना, एक केस और होता है जब पार्टनर जो है वो कहता है कि भाई मेरा जो शेयर है वो तुम दोनों ले लो इक्वली या 2:1 के रेशियो में। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो पार्टनर जा रहा है उसके शेयर को पहले उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और बाकी दोनों पार्टनर में ऐड कर दीजिए। अब यहां पर एक छोटा सा हैक समझ लेना, जिस रेशियो के अंदर वो ले रहे हैं वही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, तो आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब गुडविल के बारे में बात करते हैं, तो एक गुडविल तो हमने देख ली जो कि है वैल्यूड गुडविल, दूसरी गुडविल होती है आपकी बुक गुडविल जो कि बुक के अंदर पहले से अवेलेबल होती है, उसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंट्री जो होती है वो हो जाती है आपकी ABC2 गुडविल, यानी जितने भी पार्टनर हैं उनका डेबिट हो जाता है और नीचे आता है गुडविल। अब बात करें तीसरी चीज जो कि होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिजर्व, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सारे रिजर्व पुराने पार्टनर ने क्रिएट किए, तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा या किसी की डेथ होगी तो ऑटोमेटिकली इस रिजर्व को ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये रिजर्व है, लाइबिलिटी है, खत्म करने के लिए इनको डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट कर दीजिए बाकी सभी पार्टनर्स को। मान लेते वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसके ऊपर कोई 2-4 हजार की लाइबिलिटी आ गई, तो हम क्या करेंगे उस रिजर्व में से उस लाइबिलिटी के अमाउंट को साइड रख देंगे, बाकी बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो कि सेम एंट्री से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड क्रेडिट साइड शो कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं रिवैल्युएशन की, तो भैया रिवैल्युएशन का मतलब होता है कि जो चेंजेस आया एसेट्स से लाइबिलिटी में उसको काउंट करना। ठीक है, ये दो साइड है भाई, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड है। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस या लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो आप इसको डेबिट साइड पोस्ट करेंगे उस एसेट्स के नाम से। और दूसरी चीज, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या फिर लाइबिलिटी कम हो रही है, तो हम उसको क्रेडिट साइड रिवैल्युएशन के अंदर शो करेंगे। जो रिवैल्युएशन का बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम क्या कर रहे होंगे, उस बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशियो ओनली। ये बात ध्यान रखिए, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में होगा, सिर्फ एक गुडविल है वैल्यूड वाली जो कि गेरिंग टू सेक्रीफाइसिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, अगर इसके बाद बात कर रहे हैं भैया पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल बहुत आसान है, तीनों पार्टनर्स का एक साथ बनाएंगे, जो कुछ भी पार्टनर को मिल रहा है वो क्रेडिट साइड आएगा, जो कुछ भी पार्टनर से छीना जा रहा है वो डेबिट साइड आ जाएगा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस आप उस पार्टनर के लोन के नाम से शो करेंगे, न कि उस पार्टनर्स की कैपिटल के नाम से। बाकी सभी पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो टू बैलेंस के नाम से या बाय बैलेंस के नाम से शो कर दिया जा रहा होगा। अगर अपन आगे बात करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो जब भी पार्टनर मरता है, तो देखो रिटायरमेंट तो पहले से प्री अज्यूम्ड होता है कब होने वाला है, पर जब भी पार्टनर मर रहा होता है तो ये पहले से प्री अज्यूम नहीं होता। तो यहां पर एक छोटा सा अलग केस बन के आ जाता है जो कि तुम्हारे क्वेश्चन भी आएगा, जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर के समय में प्रॉफिट। अब जब पार्टनर मर रहा है तो उसको पता नहीं कि भाई वो मरने वाला है, तो उस 2-3 महीने के अंदर, मान लेते हैं वो 1 जुलाई को मर गया, तो अप्रैल मई जून 3 महीने उसने काम किया है, तो उस काम के बदले में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट मिलेगा। अब क्योंकि हम एक्चुअल प्रॉफिट यहां कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिसको पीएनएल सस्पेंस के नाम से पार्टनर्स कैपिटल में शो किया जाएगा। पीएनएल सस्पेंस बस एक अकाउंट है जो बता रहा है कि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे या फिर सेल्स के हिसाब से। अगर आप टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको दे दिया जाएगा भाई पिछले साल तो हमारा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस साल 3 ही महीने निकले अब तक, तो हम क्या करेंगे, पहले उस 1 लाख के प्रॉफिट को 3 महीने के प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे 3/12 करके, और फिर जो पार्टनर मरा है उसका जितना शेयर बनता है उसका उतना शेयर दे देंगे। अगर सेल्स बेसिस के हिसाब से किया जा रहा है, तो सेल्स बेसिस का मतलब है कि हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है, यानी कि अगर हमें 10 लाख की सेल हुई है जिसमें मेरा 1 लाख का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब पिछले साल मेरे को 10% का प्रॉफिट मिल रहा था, तो भैया इस साल भी सेम ही माना जाएगा। इस साल 3 महीने के अंदर की सेल आप पता लगा लीजिए, तो क्योंकि सेल ऑलरेडी 3 महीने की है तो हमें फिर इसको महीने के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, तो इस साल की सेल्स को आप प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो उत्तर आएगा वो 3 महीने का प्रॉफिट है, उसको फिर हम जो पार्टनर मरा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो एंट्री हम डिस्ट्रीब्यूशन के समय करते हैं वो है पीएनएल सस्पेंस टू, जो पार्टनर मरा है उसकी एंट्री।
ठीक है। अब जो इसका बैलेंस आता है उस बैलेंस को हम पार्टनर्स के डिसीज पार्टनर जो है हमारा उसके एग्जीक्यूटर को देते हैं, क्योंकि भैया जब रिटायर हुआ था तो वो ले जाता था खुद, अब जो पार्टनर मर गया वो खुद तो लेके नहीं जाएगा, तो उसका पैसा किसको मिलेगा? उसके रिश्तेदारों को। तो डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से हम शो कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से दे देते हैं कि भैया हमने उसको कुछ पैसा है ना दे दिया है कैश में या बैंक में, तो आप उसको टू बैंक करके लेते हैं। रिटायरमेंट में भी सेम होता है और डेथ में भी सेम होता है, ठीक है। चैप्टर मुश्किल नहीं है, चैप्टर बहुत आसान है, आप लोगों ने कवर कर लिया 5 मिनट के अंदर, आपका पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो, मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो के साथ। एग्जाम नजदीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी 2-3 बार देख लो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।